और बात कश्मीर की कश्मीर घाटी में युवाओं में हार्ट अटैक का बढ़ना एक चिंता का विषय है डॉक्टरों का कहना है कि सेलफोन का अधिक इस्तेमाल खाने की गुणवत्ता में गिरावट धूम्रपान नशीली दवाओं के दुरुपयोग तनाव और अत्यधिक ठंड के संपर्क में ये सभी दिल के दौरे को बढ़ाने में योगदान करते हैं इसी मुद्दे पर डॉक्टर हामिद बशीर से समय संवाददाता रईस अहमद ने खास बातचीत की कश्मीर घाटी में पहले कोविड 19 और उसके बाद बढ़ते हार्ट अटैक्स की वजह से घाटी में एक बै और खौफ़ का माहौल देखा जा रहा है हमारे साथ है डॉक्टर हामिद बशीर जो कि रिनाउंड कॉर्डियोलॉजिस्ट है जी स्वागत है आपका सहारा सामने थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर मी जी आप हमें बताइए कि कारण क्या है जिस तरह से ये हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं तो क्या इनकी इसकी वजह क्या है देखिए हार्ट अटैक जैसा हम सब जानते हैं एक मेजर uh, इशू है हेल्थ केयर सोसाइटी में और हेल्थ केयर बर्डन है इसकी अब हार्ट अटैक्स पहले हम कहते थे कि ये बीमारी है पचास साल के बाद की लेकिन अब ये चालीस साल या इवन थर्टी इयर्स के लोगों में आती है तो मेजर रिस्क फैक्टर जो है जो हमारा शिफ्ट हुआ economy, अब, uh, है इकोनॉमी अब आप देखें मोस्ट ऑफ द जॉब्स जो हैं वो टेबल जॉब्स होते हैं और खाने पीने का सही टाइम नहीं होता प्रॉपर फूड हैबिट्स नहीं है लैक ऑफ एक्सरसाइज लैक ऑफ स्लीप और ऊपर से जो स्ट्रेस है स्ट्रेस जॉब्स रिलेटेड स्ट्रेस अदर स्ट्रेसेस ये सब प्रेसिपिटेट करती हैं तो सिर्फ एक वजह नहीं है मल्टीपल रीजंस हैं जो कि इकट्ठे होके रीज़न है हार्ट अटैक होने का जैसे कि अगर हम देखें तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भीषण ठंड की वजह से ये सब हो रहा है ओवर हीटिंग की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं तो आप क्या मानते हैं कि कही कहीं ना कहीं मौसम भी इसमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मौसम की भी है देखिए ये बात तो सही है जो कोल्ड वेदर है एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में नसें सकट जाती हैं और तो हार्ट की नसें भी सकट जाती हैं तो अगर किसी को ऑलरेडी हार्ट की रगों में ब्लॉकेज हैं और वो एक्सट्रीम कोल्ड में कोई एग्जर्शन करता है और हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर हम देखिए जब भी इस तरह का स्ट्रोक आता है तो सबसे पहले क्या करने की ज़रूरत है क्योंकि अगर हम देखें जो फार फलंग एरियाज़ है वहाँ पे इस तरह की सुविधा नहीं होती तो अगर इस तरह की किसी को परेशानी है या किसी को इस तरह का कोई अटैक अटैक इस तरह का आ जाता है तो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए देखिए जब हार्ट अटैक आए तब हॉस्पिटलाइजेशन ही बेस्ट है क्योंकि आउट ऑफ द हॉस्पिटल आप एक हार्ट अटैक को ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं अगर आप किसी चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं वो है इनिशियल साइंस देखना हार्ट अटैक से पहले एक साइंस आती हैं जिसको लोग अक्सर इग्नोर करते हैं जैसे छाती में दर्द चलने में हैवीनेस अगर इस अर्ली स्टेज पे ही एक मेडिकल अटेंशन सीख किया जाए तो हम हार्ट अटैक को प्रिवेंट कर सकते हैं तो प्रिवेंशन जैसे हम कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेस्ट फॉर्म ऑफ क्योर सो so, इनिशियल स्टेज में जो सिम्टम्स हैं उनको सीरियसली लेना इस्पेशली चेस्ट पेन को ये थे वैली के रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर हामिद बशीर जिनका यही कहना है कि अगर इस तरह की किसी को कोई परेशानी होती है या कोई हार्ट अटैक वगैरह आ जाता है तो जो भी इसके सिम्टम्स इंडिकेशन जो अर्ली स्टेज होता है जो इनिशियल स्टेज होता है उनको वो जो है उस पर ध्यान दें वो मेडिकल वो जो है मेडिकल कंसल्टेंट जो आगे जो भी आस होगा उनके पास वो जाएँ और अर्ली स्टेज में वो इसका जो है वो इसको ट्रीटमेंट करे कैमरा पर्सन मुजफ्फर अहमद के साथ इस मगरे सहारा समय श्रीनगर